योजनाओं का कैसे सरकारी नुमाइंदे बंदरबाट कर रहे हैं। गांव के काम कर रहे सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक के साथ ही आवास मित्र किस तरह सरकार के नाम को बदनाम करने में तुले हैं, आइए दिखाते हैं। हर गरीब को पक्का मकान देने का एक ऐसा सपना जो इस देश के प्रधानमंत्री ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 31 मार्च 2019 तक देश के गांव में 1 करोड़ घर बनवाकर गरीबों को दिए जाएं। देश की गरीब ग्रामीण जनता को सम्मान के साथ पक्की छत के नीचे एक शौचालय, बिजली और पीने का साफ पानी के साथ जिंदगी जीने का मौका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाए। इस मुहिम में नरेंद्र मोदी जुटे हैं, लेकिन पीएम मोदी के उसी सपनों को उन्हीं के पार्टी भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ में धांधली और लीपापोती का खेल कर तोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के राज वाले छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला में बालोदा विकास खंड, जो कि सरकारी योजना के सही क्रियान्वयन के लिए अपने आप को अव्वल बताता है, वहां गरीब के सपनों के साथ सरकारी विश्वासघात हो रहा है। बालोदा ब्लॉक के ग्राम रैनपुर में आवास के लिए हितग्राहियों से 10 से 20 हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव व आवास मित्रों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह उनसे 20 हज़ार ले रहे हैं, वही पैसे नहीं देने पर उनका आवास किसी और को दे दिया जा रहा है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने जब मीडिया से बात करना चाहा तो दोषी ग्रामीणों को ही धमकाने लगे। रामपुर में सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक से मनमानी और मिली भगत से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। इस बारे में जब हमने जनपद सीईओ आशीष देवांगन से बात करनी चाही तो उनका कहना है कि हितग्राहियों का पैसा मिल चुका है, जब कि किसी आवास का नाम दूसरे आवास में चले जाना, कुछ जगह ऐसे मुद्दे आए थे जैसे रैनपुर में, तो उसमें जो मूल हितग्राही है वो पलायन में थी, और दूसरा समान नाम, पिता के भी समान नाम होने के कारण पता नहीं चल पा रहा था। जब भी ये हमारी नजर में आया तो हम तुरंत उसको पैसा वापस दिलवाए, तत्काल कार्रवाई की जी। रैनपुर का एक मामला ये है सर के वहाँ पे जो गंगा बाई बिंजवार जी, ये कहीं पलायन नहीं की है, इसका जियो टेकिंग बकायदा किया गया था जबकि उसको पैसा नहीं मिला। वह समान नाम होने के कारण दिक्कत हुई थी, जैसे ही वो हमारे पास शिकायत की हम तुरंत उसके खाते में 48 हज़ार रुपये पैसा सरपंच सचिव को बोल के वापस दिलवाए हैं, जिसकी पावती भी है मेरे पास। जिन ग्राम पंचायतों से ये शिकायत आ रही है कि जहाँ शौचालय नहीं बने हैं या टंकी खराब है उसको लगातार सुधरवाया जा रहा है फील्ड में जाके, और यूज की बात है बिहेवियरल चेंज के लिए हम लोग आईसी का उपयोग करके उसके खाते में 48 हज़ार रुपये पैसा गंगा बाई कुछ और ही कह रहे हैं। और कुछ बचा है? गंगा बाई, क्या आपका आवास निकला था? हाँ। तो बना? नहीं बना। कैसे नहीं बने? इसे जानी भाई आप मोर पैसा लूट ले था। कौन लूट ले? कौन जानी मानी जाना बोला सब बनी ला। तोर करा कौन आए रे? से सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक कौन आए रे? से कहूँ नहीं आए, कोई नहीं आए। कौन आए? पूछे सचिव सरपंच लगे आशीष देवांगन सीओ जनपद पंचायत बालोदा रोजगार सहायक सत्यनारायण पर भी ग्रामीण ने मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि रोजगार गारंटी में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और मनरेगा की मजदूरी उन्हें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस बात की लिखित शिकायत कई बार उन्होंने कलेक्टर को कर चुके हैं, मगर अब तक रोजगार सहायक पर किसी तरह की भी कार्रवाई नहीं की गई है। अरे
पीएम आवास के लिए लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, 10-10 और 20-20 हज़ार रुपए। मैं किसी भी आदमी से एक पैसा नहीं लिया हूँ, प्रूफ हो जाएगा मैं नौकरी छोड़ूं। जी, गंगा बाई का ये कहना है कि उसके नाम का आवास था, आपने किसी दूसरे गंगा बाई को दे दिया। धोखा मूल मतलब आप मानते हैं कि ये धोखे से हुआ? धोखे से हुआ, लेकिन मूलतः उसके खाते में वापस किया जा चुका है हमारे। लेकिन उसका अभी बयान है कि वो उसने अभी तक नहीं, उसको नहीं मिल पाया। खाते में ट्रांसफर करवा चुके हैं सर, चेक के माध्यम से। जी, और दूसरी बात यह है कि ग्रामीणों का आरोप है कि आपने कभी भी ग्राम सभा का बैठक नहीं लिया। ग्राम सभा पिछले बार हुआ था सर, स्कूल में सर। ग्रामीणों का कहना है कि आप नहीं होते और कार्यालय में भी उपस्थित नहीं होते। कार्यालय को देख रहे हैं सर आप भी इधर। आपके पंचायत के द्वारा एक बारूद फैक्ट्री को NOC दिया गया है, उसके मुझे जानकारी नहीं सर। सरपंच में पंचों की सहमति नहीं ली गई है, मैं भी, मेरे को भी जानकारी नहीं है सर उस बारे से। सरपंच अपनी मर्जी से पता नहीं सर, उसके बारे से मैं नहीं बता सकता उसके बारे से। जी, तो जितने भी आरोप हैं आप पे पैसा लेने के बाद है, निराधार है सर, एक भी आदमी से प्रूफ करवा दीजिए। शौचालय ना तो पूरे बने हैं और ना ही उपयोग लायक है, कहीं बस चार दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, तो कहीं टॉयलेट सीट ही नहीं लगाया गया है, तो कहीं सेफ्टी टैंक ही नहीं बनी है। ऐसे में इन शौचालय का उपयोग किस तरह किया जाए यह बताने के लिए सरकार को निश्चित रूप से एक नई योजना बनाने की जरूरत है। की बात यह नहीं है कि यह अफसरशाही और भ्रष्टाचार गठबंधन का नायाब नमूना है, जो कि पूरे बालोदा ब्लॉक में खुले में शौच मुक्त विकासखंड घोषित कर दिया गया है, और यह कारनामा फाइलों में देखकर राज्य और केंद्र को गुमराह किया जा रहा है। इस बारे में सिवनी की सरपंच पूजा मुकेश राठौर बताती हैं कि शौचालय अपूर्ण है, लेकिन दबाव के चलते ऐसा किया गया है। और मतलब आप इस बात को मानते हैं कि बहुत सारे अपने जनपद पंचायत के रिकॉर्ड में ODF फ्री पंचायत है सिवनी, जबकि हकीकत यह है जमीनी स्तर पे कि यहाँ पे काफ़ी सारे शौचालय अभी भी अपूर्ण हैं। क्या कहना है? अपूर्ण है क्योंकि बरसात के समय में गड्ढा धंस जा रहा था, इसलिए गड्ढा का काम नहीं हुआ था जो अभी चल रहा है जी। अभी भी ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने अपने तरफ से काम छोड़ दिया है, काम तो चल ही रहा है। और मतलब आप इस बात को मानते हैं कि बहुत सारे शौचालय अभी भी अपूर्ण हैं? बहुत कुछ है ऐसा, हम खुद मानते हैं काम चल रहा है, मिस्त्री लोग बाहर भी चले गए थे और गड्ढा मच चुकी बरसात के मौसम में धंस जा रहा था इसीलिए। जी मैम, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि रिकॉर्ड में इनको ODF फ्री पंचायत दिखा दिया गया है? चूंकि CO सर को जल्दी था ODF, क्योंकि ये आदर्श ग्राम है इसलिए, तो वो मतलब जैसे ही बना उनका खुद आदेश था कि अभी जल्दी जल्दी में आप मतलब जो उसका रूम है उसी को बना पहले, अगर गड्ढा लेट से बनता है तो बाद में बरसात के बाद बनाते रहे। जी मतलब अभी तक पूर्ण नहीं है और ODF कर दिया गया है? हाँ। नहीं ऐसा, वो थोड़ा कुछ काम कर रहा है ऐसा। और ये आवास का क्या लफड़ा है? आवास का लफड़ा है, हमको कुछ नहीं रहा है, मनमानी काम कर रहे, एक सरकार है मनमानी दे रहे। अच्छा, गंगा बाई का आवास था, उसका आवास क्यों नहीं बन पाया आपने पूछा? गंगा बाई का नाम से दूसरा नाम से दे रहा है, पैसा के नाम से जी, पैसा ले रहा है जी। आवास में जब आवास आ रहा है, प्रति घर जा रहा है 10,000 पैसा दो, उसके बाद आवास आगे से बढ़ रहा है। ठीक।